स्टूडेंट आज जो अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमने कल की वीडियो में भी स्टार्ट किया था स्टूडेंट। आज अपने पॉलिनोमियल्स पे क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है पॉलिनोमियल के ऊपर इनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे स्टूडेंट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर इट। हमारे को ये बताना है स्टूडेंट कि हमारे पास कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें से हमने ये डिफाइन करना है कि कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है और कौन कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स नहीं है स्टूडेंट। कल मैंने पॉलिनोमियल्स की कंडीशंस के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था स्टूडेंट और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी बताया था स्टूडेंट। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा स्टूडेंट, तो उसके ऊपर अपने ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये देखना है कि ये जो हमारे को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्टूडेंट इसके अंदर वेरिएबल की बात करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल हमारे को दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है स्टूडेंट, वेरिएबल एक्स है। 4, 3 और 7 क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट। तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है और एक्स की पावर क्या है स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर 2 दी हुई है। एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर पॉजिटिव पावर है, ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। क्या ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो यस ये वन वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल है, एक एक्स ही वेरिएबल है स्टूडेंट इसके अंदर, और जो पावर है वो भी पॉजिटिव होल नंबर दी हुई है। तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा। तो इसके आंसर में हम देखेंगे यस दिस इज वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब अपने बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ स्टूडेंट उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है y² + √2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ y² + √2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल का है ये टू वेरिएबल का है। तो स्टूडेंट हमारे को ये देखना है कि वेरिएबल कितने हैं इसमें सबसे पहले। तो वेरिएबल इसके अंदर हमारे पास दिख रहा है केवल y, एक ही वेरिएबल है स्टूडेंट, और इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है स्टूडेंट, यानी कि होल नंबर है। तो ये क्या है, एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल। सेम लिखेंगे स्टूडेंट, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो 3 में क्या दिया हुआ है, 3√3 + √2। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट कि होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं स्टूडेंट। इंटीजर और होल नंबर, इंटीजर को स्टूडेंट आई से लिखते हैं और इंटीजर जो होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं स्टूडेंट, इनफाइनाइट से, जिसमें माइनस की वैल्यूज भी आती है, जीरो भी आता है स्टूडेंट, और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक होते हैं स्टूडेंट इंटीजर्स जो होते हैं। उसके बाद में मैंने एक वर्ड बोला है यहाँ पे होल नंबर, तो होल नंबर को W से लिखा जाता है स्टूडेंट, और होल नंबर में स्टूडेंट आते हैं 0, 1, 2 यानी कि डैश 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 इनफाइनाइट तक सभी नंबर्स जो आते हैं वो किसमें आते हैं, होल नंबर में स्टूडेंट। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन ये है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो केवल क्या होनी चाहिए, सॉरी वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और कौन से होल नंबर, सारे स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है यानी कि ऐसे इंटीजर जिनमें माइनस वाली वैल्यूज ना हो, ऐसे इंटीजर को क्या बोलते हैं अपने, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसमें अपने एक चीज देख रहे हैं कि इसमें वेरिएबल तो टी है, बट एक जो वेरिएबल जो है उसकी पावर जो हमारे पास दी हुई है वो 1/2 दी हुई है। रूट को अपने 1/2 से लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टी की पावर 1/2 दी हुई है, जो एक होल नंबर नहीं है स्टूडेंट, जो एक होल नंबर नहीं है।
तो ये क्या होगा, एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल तो वन है बट पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे अपने नॉट ए पॉलिनोमियल। अब हमने बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास दिया है वाई प्लस टू अपॉन वाई, वाई प्लस टू अपॉन वाई दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं स्टूडेंट वेरिएबल तो एक है, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन है पॉलिनोमियल की वेरिएबल तो एक है, बट इसको अगर अपने इस प्रकार से लिखते हैं तो ये जो वाई है इसको अगर अपने ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे को दिख रहा है कि वेरिएबल की पावर माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की कंडीशन में वेरिएबल की पावर केवल होल नंबर होनी चाहिए स्टूडेंट, माइनस में अगर कोई भी इंटीजर आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा स्टूडेंट। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, नो, नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो फाइव का सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की पावर कितनी दी हुई है स्टूडेंट, टेन प्लस वाई की पावर थ्री प्लस टी की पावर फिफ्टी दी हुई है। तो इसके अंदर अपने देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो इसके अंदर वेरिएबल जो दिए हुए वो कितने वेरिएबल है, वन टू और थ्री वेरिएबल दिए हुए स्टूडेंट। इसमें एक तो एक्स वेरिएबल है, एक वाई है और एक थ्री दिया हुआ, यानी कि थ्री वेरिएबल दिए हुए। हमारे को कौन सा पॉलिनोमियल चाहिए स्टूडेंट, वन वेरिएबल का, हमें कौन सा पॉलिनोमियल बताना है वन वेरिएबल का। तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, थ्री वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो इसका आंसर में लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। हाँ तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास ये जो नीचे जो इक्वेशंस दिख रही है तुम्हारे को, इन सभी में से हमारे को ये देखना है कि कौन कौन सी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या होगा। तो इन इक्वेशंस में अपने देखेंगे ये जो पॉलिनोमियल्स जो हमारे को दिए हुए हैं, इन पॉलिनोमियल्स में अपने को ये देखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट के बारे में अपने कल पढ़ चुके हैं स्टूडेंट क्या होगा, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज होती है उन्हें को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है स्टूडेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में क्या वैल्यू दिख रही है स्टूडेंट, अगर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर के साथ में तो वहां क्या मान सकते हैं स्टूडेंट, अपने वन मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे वन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वन हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपने सॉल्यूशन सेकंड, यानी कि सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो माइनस का यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं अपने, माइनस वन मान सकते हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन, और माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस का वन होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में माइनस वन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस वन स्टूडेंट। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की अगर अपनी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई बाय टू एक्स स्क्वायर, पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय टू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई बाय टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू हमारे को दी हुई है वो कितनी है, पाई बाय टू दी हुई है।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। यहाँ पे ये सेम लिखेंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई बाय टू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर फोर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है रूट टू एक्स माइनस वन, रूट टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ जो वेरिएबल हमारे को एक्स दिया हुआ है उसकी पावर टू नहीं है स्टूडेंट, यहाँ वेरिएबल की पावर ओनली वन है, एक्स स्क्वायर की पावर हमारे को नहीं दिख रही है। तो जिस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ना दिखाई दे रहा हो, वेरिएबल एक्स ही दिया हुआ हो, उस क्वेश्चन में अपने एक्स की एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको क्या मान सकते हैं स्टूडेंट, जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ इसके साथ में जीरो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जीरो ही होता है स्टूडेंट। तो इसके साथ में जो कोफिशियंट है वो क्या है स्टूडेंट, जीरो है। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो वहां अपने जीरो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और वहां पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, गिव ऑन एक्सप्लेन ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि हमारे को दो एग्जांपल देने हैं स्टूडेंट, कौन कौन से, एक तो बाइनोमियल का जिसकी डिग्री हो स्टूडेंट 35, और एक हमारे को मोनोनोमियल का एग्जांपल देना है स्टूडेंट जिसकी डिग्री हो 100। तो 100 डिग्री का मोनोनोमियल, यहाँ पे बाइनोमियल और मोनोनोमियल की बात हो रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे को डिग्री के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि टर्म्स का भी हमारे को पता होना चाहिए स्टूडेंट कि बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं और मोनोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं स्टूडेंट। तो आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं सॉल्यूशन नंबर थ्री। तो सबसे पहले बाइनोमियल की बात की है स्टूडेंट, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो अपने यहां पे लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो 35 डिग्री का बाइनोमियल जो अपने लिखेंगे स्टूडेंट, तो अपने ये लिख सकते हैं कि x की पावर 35 प्लस x की पावर 34 स्टूडेंट। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल यहाँ पे x लिया जाए, अपने ये भी लिख सकते हैं a की पावर 35 प्लस a की पावर 34 स्टूडेंट। यहाँ पे जो हमारे को चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है स्टूडेंट। तो वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पे 35 होनी चाहिए। दूसरी बात, बायोनोमियल में जो टर्म्स होती है स्टूडेंट दो ही होती है, तो दो ही टर्म्स का एक बायोनोमियल हमारे को लिखना है स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो वेरिएबल दिया है इसको आप चेंज कर सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, बट उसकी जो पावर है हाईएस्ट पावर वो 35 होनी चाहिए, और टर्म्स इसमें कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट, टू होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, ये तो हो गया फर्स्ट, और इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या होगा स्टूडेंट, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री का जो मोनोनोमियल होगा वो क्या होगा स्टूडेंट। तो मोनोनोमियल के अंदर स्टूडेंट सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि इसमें जो टर्म्स होगी वो एक ही होगी, और दूसरी पावर, दूसरी बात, इसकी जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 100 होनी चाहिए स्टूडेंट। तो अपने ये लिख सकते हैं कि x की पावर 100, यहाँ पे a की पावर भी 100 लिख सकते हैं स्टूडेंट, y की पावर भी 100 लिख सकते हैं स्टूडेंट, वेरिएबल यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। x की पावर 100 लिखते हैं ये भी सही है, a की पावर 100 लिखते हैं ये भी सही है, और y की पावर 100 लिखते हैं ये भी सही है। ये तीनों ही क्या है, मोनोनोमियल है स्टूडेंट, जिनकी डिग्री कितनी है 100 है। मोनोनोमियल का मतलब ये होता है जिसमें टर्म्स एक ही होती है, तो यहाँ पे टर्म्स x एक ही है स्टूडेंट, इसकी पावर कितनी है 100। तो अब अपनी बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 2.1 का, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इनके हमारे को कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें हमारे को ये बताना है कि डिग्री क्या है, इन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है स्टूडेंट। तो डिग्री मैंने कल की वीडियो में बताया है स्टूडेंट कि डिग्री क्या होती है, पूरा बेसिक उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उस वीडियो को एक बार देखिए। तो स्टूडेंट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, तो इसमें डिग्री कितनी होगी, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हमारे को वास्तव में क्या होती है, डिग्री ये होती है स्टूडेंट कि जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में दिया हुआ है
जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या होती है स्टूडेंट, डिग्री होती है। उसकी हाईएस्ट पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। तो एक्स की पावर यहाँ पे कितनी दी हुई है, हाईएस्ट पावर 3 दी हुई है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। तो डिग्री इक्वल यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 3 लिखेंगे। कितनी डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, 3 हो जाएगी डिग्री स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 - y² दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल जो है वो y है और y की पावर 2 दी हुई है। y की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपनी बात करते हैं 5t - √7, तो यहाँ पे वेरिएबल जो दिया हुआ है वो t है और t की कोई भी पावर नहीं दी हुई है। तो जब किसी भी वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं दी हुई होती है तो वहां पे अपने 1 मान सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे t की पावर 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, t की पावर 1 t ही होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी। इसका आंसर पूरा ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि कितनी होगी, 3, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगी स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फोर्थ का जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ हमारे को, इसमें ओनली 3 लिखा हुआ है स्टूडेंट। ये क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट होता है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो स्टूडेंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे अपने ये मान सकते हैं कि x की पावर क्या है स्टूडेंट, 0 है। x की पावर 0 प्लस 3 भी अपने इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। इसकी कोई भी डिग्री नहीं है, इसमें ये भी लिख सकते हैं अपने, इसकी कोई भी डिग्री नहीं है स्टूडेंट। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे को दिया हुआ है स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि 3 टाइप के हमारे को पॉलिनोमियल देखने हैं यहाँ में, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से है इसमें से, और लीनियर पॉलिनोमियल कौन से है इनमें से, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से है इनमें से। तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल स्टूडेंट, ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट, इसकी पावर 2 दी हुई है, इसकी पावर 2 दी हुई है स्टूडेंट। जहाँ पे वेरिएबल x है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से ही पॉलिनोमियल को अपने डिग्री के अकॉर्डिंग निर्धारित करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिग्री इसकी जो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, हाईएस्ट डिग्री सॉरी पावर 2 है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, क्यूबिक। ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक। क्यों हो जाएगा ये क्यूबिक स्टूडेंट, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3 है। और 3 पावर का जो पॉलिनोमियल होता है वो स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट। थर्ड की अपने बात करते हैं तो इसमें भी कितनी है, वेरिएबल वाई है और वाई की जो हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, 2 है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं अपनी फोर्थ क्वेश्चन में, 1 + x लिखा हुआ स्टूडेंट, 1 + x लिखा हुआ। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। और 1 पावर का जो पॉलिनोमियल होता है उसको अपने बोलते हैं स्टूडेंट लीनियर पॉलिनोमियल। इसको अपने बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल। सेम फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें भी टी की पावर कितनी है, 1 दी हुई है। ये कौन सा हो जाएगा, एक लीनियर, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और नेक्स्ट की बात करें r² तो r² ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद में x³ 7x³ दिया हुआ है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3। तो ये कौन सा हो जाएगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो फोर्थ है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है,
और लिनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ तो लिनियर होंगे और इसमें जो क्वाड्रिक होंगे वो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट और सिक्स, ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे, थ्री इसमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है और सेकेंड और सेवन क्या हो जाएंगे इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।